हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। तो भाई आज जेएमडी हॉस्टल का एक राउंड है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे व्हेन यू गो टू अ मैरिटाइम कॉलेज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो आज मैं आपके आगे एक रैंडम राउंड ले रहे हैं। नॉर्मली बेड चेक शुरू कर दिया है, विच इज रूम चेक आई वुड से इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9 AM शार्प। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले आपको मिलाता हूँ मैं अपने कैलाश कुणाल सर, जो हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, जय माता दी। गाइज, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑन द स्पॉट है तो आपको देखिए कमियां दिखाते हैं, ये हमारे लिए भी है। सर, सुबह 9 बजे हमारा था कि साफ होना चाहिए, आप अभी भी पड़ा है यहाँ पे कचरा। तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ जेएमडी एकेडमी कि यहाँ पर ये क्लीन नहीं है बिंदास। एक चीज अच्छी होगी है जो कि पहले नहीं थी, दैट इज हर उसके अंदर अभी पॉलिथीन लगा दिया गया है ताकि गंदगी ना रहे। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई रूम नंबर 101, लेट्स कम इन। ओके, हाँ अपने बेस्ट ये है कि अपने 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 रूम्स के आगे, अपने अपने बेड्स के आगे खड़े हो जाइए, जिसका जो जो बेड है। ठीक है, 6 लोग खड़े हो गए। यार ये चप्पलें सब एक साथ क्यों नहीं लगते, वेल सेग्रीगेटेड? दो उधर है, दो इधर है, ये बाल्टी इधर क्यों रखी हुई है नीचे स्पेशली घुसा के? क्या है कुछ इसमें स्पेशल खास पड़ा है? ये किसका बेड है? ये टी शर्ट वगैरह ऊपर किस लिए है? लॉन्ड्री का दिन आया था, ब्लड डोनेशन का, कब चलेगी पता नहीं। तो लॉन्ड्री का आपको पता नहीं चला कि लॉन्ड्री? ये चिपकाया क्यों है, उसे हटा दो। तुमने चिपकाया, पहले से चिपकाया? पहले से। ठीक है, अभी आजकल बारिश है तो आई कैन अंडरस्टैंड की नहीं होता है। यार ये नीचे ये क्या है सिस्टम, ये जूते ऐसे क्यों पड़े हैं, ढंग से सेग्रीगेट करके अच्छे से क्यों नहीं रखे हुए? ये यहाँ पर क्या गंद मचा रखा है यार। चलो शुरू करो हॉपिंग, चलो ये नीचे मैं देखूंगा यार। बाल तो तेरे अच्छे हो गए, लुकिंग स्मार्ट, आई होप। अभी छोड़ दे, बाद में कर लियो बेटा, ध्यान से निकाल दियो। चलो 50 हॉपिंग फटाफट, चलो 50 हॉपिंग इधर आ जाओ, जगह बहुत है यहाँ पे, शुरू करो। 50 हॉपिंग, हॉपिंग पता नहीं क्या होता है, नहीं पता है? चलो ये भी देख लेते हैं साथ में। ऐसे तो मैंने ऐसे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब लोग बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी पहली बार है, बैठ गए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो थोड़ा आगे आ जाए, गिर जाएगा नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तू थोड़ा आगे हो जा, ये तो बैंड बजने वाले। स्टार्ट करें, ऐसे हाथ रख ले भाई। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फास्ट 16, 17, 19, 20, 21, तब तक मैं रूम देख रहा हूँ। कल अगर ये चप्पलें ऐसे ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं मिली, सबकी जय माता दी कर दूंगा। बाथरूम इज क्लीन, फाइन सर, आप काउंट कीजिए तो मैं दूसरे रूम में चलता हूँ। आ जाओ, ओके आइए, आपका रूम देखते हैं। ठीक है, बाथरूम साफ है, बेड के नीचे चप्पलें सब अरेंज हैं, यहां पर थोड़ा मामला गंभीर है बट चलेगा, फाइन फाइन गाइस, यू कैन स्टे इन, थैंक यू। आइए रूम नंबर 102, बाथरूम इज इन क्लीन कंडीशन। चप्पलें ठीक से अरेंज है, चप्पलें ठीक से अरेंज है, फाइन। ठीक है, तुम लोग अंदर रह सकते हो, ऑल सॉर्टेड। किसी एक की अलमारी दिखा दो जरा, कोई एक वेल अरेंज्ड अलमारी है भाई, जय माता दी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, ठीक, थैंक यू वेरी मच, स्टे। यार ये कल थोड़ा साफ हो जाना चाहिए, मुझे खराब लग रहा है ये। यार ये मैं तो कर पा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं तो कर पा रहा हूँ साफ, काफी कोशिश कर, ये काफी कोशिश कर। तो फंडे मत दो, फंडे मत दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, आप लोग अंदर रह सकते हो, फाइन। रूम साफ, रूम इज नीट एंड क्लीन। यार ये चेयर टूटी हुई, आपने डाला था इसमें? किसका ये टूट गया? डाल दिया ना आपने, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए, थैंक यू, थैंक यू सर, ऑल सॉर्ट। यार ये वॉश बेसिन थोड़ा साफ करो, वॉश बेसिन तुम्हारा गंदा है, कल वॉश बेसिन साफ होना चाहिए। ठीक है ठीक है, कपड़े सूखने का तो अभी बारिशें चल रही है, कुछ नहीं कर सकते। ये किताबें ऐसे क्यों रखी है नीचे?
यार ये तो तरीका, चलो टेबल पे मना किया तरीके से करके, अलमारी में रखने के लिए बोला है, ये यहाँ क्यों ठूसी हुई है विद्या को नीचे जमीन। अबे तो जगह उसके लिए बनाना, बाकी तो कुछ कार्टन में सकता है वो भी नीचे डाल दिया। तो कुछ भी करो कल नहीं दिखनी चाहिए, फिलहाल तो अभी ऊपर रखो ये नालायक सिंह, मतलब उसके ना दिखे तो विद्या को नीचे तो कभी नहीं रखना चाहिए ऐसे, है कि नहीं। चलो इतना तो ध्यान रखो, ठीक है गाइस। चलिए अभी जरा मुझे उधर के बच्चे की जय माता दी करनी है। अरे तुम लेकिन आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, तुम्हारा रूम बढ़िया है बिल्कुल, आ जाओ। हाँ आ जाओ, हाँ भाई, तो तुम तुम्हारा रूम, तुम्हारे सामने वाले रूम वाले अंदर बैठे हैं राइट, और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, बैठे रहे हैं, सर तो आ गए हैं। चलो शुरू हो जाओ, क्या करना है पता है ना, क्या करना है बताओ। चलो शुरू हो जाओ, पीछे से लाइन से 20 पुशअप, चलो एक के बाद एक, तू इधर से शुरू, इधर ऐसे आ। ये इसलिए है कि तुम अपनी दूसरे बंदे, वो अगर उसे नहीं पता, उनके रूम को नहीं पता कि भैया वो अंदर बैठे हैं, तुम तो देख रहे हो कि मैं आ चुका हूं, और तुम 9 बजे का इंतजार करोगे जब तक उन्होंने तक बाहर नहीं बैठो खड़े हो गए। और सत्यम कौन है तुम्हें, तुम ही सत्यम हो। 9 बजे जब रिपोर्ट करना है, 9 बजे मैं पहुंच रहा हूं 9 बजे, और तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही इसके अंदर। 9 o'clock means 9 o'clock नालायक सिंह। चलो शुरू हो जाओ, तुम तो इसलिए तुम अपने रूममेट की चिंता नहीं है, अपने फ्लोरमेट की जल्दी करो। चलो सर आप जाके सेकंड फ्लोर को, आप जाके सर थर्ड फ्लोर का इंस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए कुनाल सर। 3 4 5 वो देखो मार ही नहीं पा रहा नालायक, उसको जगह दो। तुम हॉपिंग करो, हॉपिंग करो, हॉपिंग करो, तुम हॉपिंग, हॉपिंग आती कि नहीं आती है देखो, फिर सिखाओ। अब इन सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अलग से। तुम हॉपिंग करके जरा कैसे करते हैं इसको। चलो बैठ जाओ, 1 2 3 4 चल पुशअप्स मार दिया। ये 106 में तो बॉडी सर का होगा ये वाला। यार ये बाथरूम की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, कल मुझे थोड़ा ये साफ कर देना, बाकी तुम कराएंगे। देख लो पीछे ये, समझ में आ गया। ये किसने चिपकाया है सर? मैंने चिपकाया था जब, पता नहीं था सर, बोलने से पहले ही चिपका दिया। ठीक है, आप फॉर्मूले याद है? जरा बताओ, जरा लिखा तो दिया, खड़े हो जाओ इधर, खड़े हो जाओ, जरा बताओ मुझे साइन सी माइनस साइन सी डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी चिपकाए ऐसे हो जैसे सब रट के माने हैं सर। आज दो कितने महीने हो गए यहाँ पर लगाए हुए? 1 महीना 15 दिन 20 दिन हो गए लगाए हुए। दीवार की जय माता दी अलग करी, फॉर्मूला याद नहीं है, लिखे ऐसे दी हो कि बस जय माता दी कर देंगे, गलत आदत। या तो याद होता तो मैं बोलता चल अच्छी बात थी, तब भी मैं बोलता गलत आदत। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो देखो 75 डेज चैलेंज लिखा हुआ है, अगस्त में 23 तारीख होगी ये, तो डेली एक सेल्फी लेनी है, डेली 4 लीटर पानी पीना है, 10 पेजेस बुक ऑफ सेल्फ हेल्प सेल्फ इंप्रूवमेंट, डेली 45 मिनट एक्सरसाइज, डेली लाइट फॉलो, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। अभी कौन करता है, तुम करते हो गए तुम्हें से कोई? बिल्ड अप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, मॉनिटर योर डिसिप्लिन। अभी जिसने भी लिखा है फाइन लिखा है, दीवार की जय माता दी मत करो यार प्लीज। चलो सब लोग बाहर आ जाओ, सब लोग बाहर, एवरीबडी आउटसाइड प्लीज, एवरीबडी आउटसाइड योर रूम्स एवरीवन। चलिए अब अगर कुछ गलती होगी तो पूरा का पूरा फ्लोर हॉपिंग करेगा, ठीक है शुरू करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल, पूरा नाम विशाल बिष्ट। अच्छा हाँ भाई इधर आओ, तुम ही आओ, जल्दी आओ। ये जो लड़का है जिससे मैं अभी नाम पूछ रहा था, इसका नाम क्या है? आप कौन से रूम में रहते हो? 105। आप कौन से रूम में रहते हो? 109। ये बगल वाला रूम राइट। आज कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? टू मंथ्स। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 2 मंथ्स हो गए। इसका नाम क्या है भाई? नहीं तो 2 महीने हो गए आप लोग इतनी दूरी पे रहते हो और एक दूसरे का नाम नहीं पता बराबर, तो फिर क्या बनता है पूरे फ्लोर के लिए? कल भी ऐसे करूंगा, हर दिन किसी को पकड़ूंगा, जितनी जल्दी हो सके इसी से बाहर निकले, जब तक कि हर किसी को अपने रूममेट के अलावा दूसरे रूम में जाके उसका नाम, वो कहां से आया है, थोड़ा बहुत उसके परिवार के बारे में पता। कैसे सीखोगे भाई जहाज पे जाके ऐसे खड़ा, वो मेरे पास आएगा। चलो स्टार्ट हॉपिंग एवरीवन, चलो
और ये धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। पीछे चलो, हाँ भाई स्टार्ट हॉपिंग। जो नहीं कर रहा उसकी जय माता दी, बाद में वीडियो में मत आ जाना, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। निकल गए तुम नहा के क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। हंसना बंद करो, बाकी सबकी जय माता दी अलग होगी। फिर अभी नाम याद, क्या नाम है उसका? विशाल। सब कोई बोलो विशाल। एक बार शैतानी उतनी जितनी की बर्दाश्त करी जा सके, बट आपको एक चीज, चलो खड़े हो जाए सब लोग अभी, ठीक है। तो अब अगर कल चाहते हो, कल फिर पूछूंगा और फिर उसका धीरे धीरे टाइम पे आ जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। तो विद इन नेक्स्ट, अब मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं फिर ऐसे रैंडम पूछूंगा, बराबर? तो और मैं ऐसे करके पूछा कि कोई गलत नाम ना था, मैं पूछूंगा तेरा नाम क्या भाई, तो पहले मैं ऐसे करके पूछ, मुझे नाम तो याद नहीं रहते ना, मेरी प्रॉब्लम है। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा भाई उधर कोने में जाके किसी से पूछूंगा। तो नाम पता होना चाहिए, या आपकी परिवार है राइट, तो पहले रूममेट्स के नाम पता होने चाहिए, फिर फ्लोर मेट्स के नाम पता होने चाहिए, फिर हॉस्टल मेट्स के नाम पता होने चाहिए, फिर जैसे हमारा हॉस्टल अभी फुल हो गया, जो बाहर रह रहे हैं उनके नाम पता होने चाहिए, बराबर? अब से 101, अगर यहां पर ये गंदगी होगी, पहली बात तो जिनकी जय माता दी हमने करनी, हम करेंगे क्लीनर की। यहां पर जिम्मेदारी किसकी है? रूम नंबर 10। तो कल से अगर मिला तो मैं हाथ से प्रॉपर तरीके से उठवा के डलवा के पूरा खाली भी करवा सकता हूं। ये तुम्हारे रूम के पास है, मुझे कल यहां कीड़े दिखे तो मैंने बोला पॉलिथीन होनी चाहिए, बराबर? ये डेली साफ होगा, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। बट इंश्योरिंग की बाहर है तो पहले जय माता दी करनी शुरू करेंगे लोगों को। हाँ जी यस, मैं यही खड़ा हूं अभी, या फिर से ओपनिंग करनी है सबको? तो विद दिस गाइस जस्ट टू थिंग्स आई वांट टू से। हम लोग जैसे कि मेस में बीच में एक आध दिन कीड़ा निकला था, अपने फोटो डाली थी तो हमने उस पर काम किया, कर रहे हैं, फिर से हो सकता है निकल जाएगा। अभी आज मैंने देखा चींटियां घूम रही है किचन के अंदर, मैंने बोला फटाफट सही करो, ये तो चींटी निकली, कोई ना कोई वीडियो डाल देगा कि चींटी निकल गई है, तो चल नहीं सकते हैं। बट अच्छा लगा आज किसी बच्चे ने ये भी डाला कि आज का नाश्ता उन्हें सही लगा, मुझे नहीं पता आपको सही लगा नहीं लगा। बट देखिए बुराई डालना बड़ा आसान है, ये चीज बहुत खराब है खराब है खराब है, लेकिन अगर कभी कोई चीज अच्छी लगे तो वो भी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए, राइट? तो वहां पर भी खुले दिल से कीजिए, जो खराब लगे वो भी खुले दिल से कीजिए, ठीक है गाइस? सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू डे टुडे, वर्क हार्ड, each day is important, copy it guys, yes, sir. Thank you very much, jai hind jai bharat jai mata di। ab main ja raha hu third floor inspect karne ke liye, aaj ke liye itna hi, ab bahut kuch cheeze seekhne ke liye, dheere dheere in pe main videos banata chala jaunga। jmd academy mein bahut sari kamiyan bhi jisko main acha karna hai, bachcho mein kamiyan usko theek karna hai, tabhi hum bahut acha result de payenge। aur in bachcho ko sirf result ke alawa discipline sikhate hue, ye sikhate hue ki jhaas pe kyun kyun cheez zarurat hai, inko uski importance samjhate hue, ये बच्चे एक अच्छे मर्चेंट नेवी ऑफिसर बने, वही हमारा एम है और उसी को हम पूरा काम करेंगे। जय हिंद जय भारत जवान।